Let's continue our fourth chapter, that is financial planning and practice set 4.1. So practice set 4.1 के पहले कुछ information, कुछ important formulae जो इस exercise में आगे के exercise में या फिर इस type के example के लिए लगने वाले जो information है वो हम लोग समझ लेते हैं, जिससे example solve करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और सभी example हम लोग इसी फॉर्म में या इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सो सी फर्स्ट वन, दैट इज द सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी। ये आपको ध्यान में रखना है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ आर इक्वल, अमाउंट और रेट दोनों ही, अमाउंट भी और रेट, मींस रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी, amount of central GST equal to amount of state GST, means amount हो या rate दोनों क्या होंगे, same होंगे। और इसमें से कोई अगर एक चाहिए हमें suppose CGST, तो क्या करना पड़ेगा, half of GST amount और rate होगा, तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ सी जी एस टी इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ जी एस टी। अगर अमाउंट है तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सेंट्रल जी एस टी इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जी एस टी, मीन्स अगर अमाउंट दिया होगा तो जी एस टी का हाफ कर लेंगे, तो सेंट्रल जी एस टी और स्टेट जी एस टी दोनों सेम होते तो दोनों का अमाउंट मिल जाएगा या रेट मिल जाएगा। तो जहाँ पे होगा हम लोग यहाँ पे अमाउंट रेट लिख कर ये फॉर्मूला कंटिन्यू करेंगे। थर्ड, GST, that is central GST plus state GST. अगर central दिया है तो state भी उतना ही होगा, दोनों को plus करके हम GST find out कर सकते हैं, amount होगा तो amount और अगर rate होगा तो rate। Then fourth, amount of GST, that is equal to taxable value or amount. So if you write value or amount, no problem. Taxable value into rate of GST. So जो taxable amount होगा उसे हम rate of GST से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, amount of GST, और जो अमाउंट ऑफ GST मिलेगा उसी को हाफ ऑफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेंट्रल और स्टेट मिल जाएगा, इस स्टेट GST और सेंट्रल GST दोनों सेम होते हैं इससे उनकी वैल्यू मिल जाएगी। देन अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, दैट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ऐड होंगे, तो हम इसी को और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर दैट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो ये फार्मूले अगर एक बार आपने अच्छी तरह से क्लियर कर लिए तो आपको एग्जांपल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एग्जांपल रीड करने के बाद हम जो जो इंफॉर्मेशन दी वो फाइंड आउट करके फिर चेक करेंगे कि given and what is to find. So reading is important. So first any example you first read that example carefully and find out the given things and then apply or think about the formula, means which formula you apply for that example. So here's the first example, that is Pawan Medical supply medicines. On some medicines the rate of GST is given 12%. Then what is the rate of central GST and state GST? So
think about this question. What is given? See, that is the rate of GST is given. And question is, find or what is the rate of central and state GST? कितना simple सा example है. अभी आपको बता दिया कि यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, ये सेंट्रल और स्टेट जीएसटी सेम होते हैं. अगर सेंट्रल फाइंड आउट करना होगा तो हाफ ऑफ जीएसटी कर देंगे, जो सेंट्रल जीएसटी आएगा वही स्टेट जीएसटी होगा. तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि फर्स्ट वी राइट द गिवन थिंग्स. गिवन इज द रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 12%. Here rate is given. Therefore, we know the rate of central GST, that is half into rate of GST, means half into this 12 equal to 6%. And central and state is both are equal. Therefore, yes, GST is also 6%. So here we write rate of central GST equal to rate of state GST. Therefore, rate of state GST is rate of state GST equal to also 6%. Simple sa question solve ho gaya. Now question number second. Read carefully and find out the given thing and then think about the example and see how we can find the rate of GST in this example. So again, read example with me on certain article. If the rate of central GST is 9%, then what is the rate of state GST? And what is the rate of GST? It is so simple, you know both are equal. So if central GST is 9%, then rate of state GST is also 9%. And the rate of GST, that is the double of this, or add these two according to our which third formula. So first right given, that is the rate of central GST equal to 9%, and we know the rate of CGST equal to the rate of state GST. Therefore, the rate of state GST equal to 9%. And second question, that is the rate of GST equal to, you know, sum of rate of central GST and state GST. So we write here both the sum or twice of this. So rate of central GST plus rate of state GST, that is 9% plus 9%, that is 18%. We write here each and every step. सभी steps यहाँ पे हमने लिखे हैं, जैसे आपकी practice होते जाएगी आप इसमें से कुछ steps drop भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे directly हम लोग rate of GST equal to 18%, क्योंकि ये question कोई बहुत 3 or 4 marks के लिए नहीं, तो simple. अगर दो question पूछे means यहाँ पे 2 marks के लिए होगा, तो हम लोग यहाँ पे जो स्टेप्स है वो पूरे लिख रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है. और एक बार आपको समझ में आ जाता है तो आप बाद में कुछ स्टेप्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. सी एग्जांपल नंबर थर्ड, दैट इज एमएस रियल पेंट सोल्ड 2 tins ऑफ लस्टर पेंट एंड एस्टिमेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज रुपीज 2800. इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, then find the amount of CGST and SGST charge in the tax invoice. So see what is given here. So here the taxable value of each tin means 1
टेन का टैक्सेबल अमाउंट दिया है, लेकिन उसने सोल्ड कितना किया है, टू टेन्स। मीन्स हमें टू से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके टोटल टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट होगी। देन रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। अब 28% है लेकिन पूछा है अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी, तो हम इसका हाफ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो टोटल जीएसटी फाइंड आउट करके उसके बाद जो सीजीएसटी और एसजीएसटी उसका भी हाफ कर सकते हैं। तो जैसे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है आप कर सकते हैं, एक से अधिक मेथड एग्जाम्पल सॉल्व करने की हो सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो हमारे मेन फॉर्मूले लिखे हैं इसके बेस पे फाइंड आउट करने वाले। तो फर्स्ट वी राइट द गिवन थिंग्स हियर, रेट ऑफ पेंट दैट इज गिवन 2800 एंड द देयरफॉर द अमाउंट फॉर टू टेन्स, दो टेन्स का कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। सो यू आर गिवन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एज टेन, एज टेन इज रुपीज 2800 एंड क्वांटिटी क्वांटिटी इज गिवन टू टेन, देयरफॉर टोटल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट, यहाँ पे हम लोग अमाउंट भी यूज कर सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं, मीन्स टू इंटू दिस 2800 दैट इज रुपीज 5600। ये टैक्सेबल अमाउंट हो गया जो हमारे एग्जाम्पल में अमाउंट पेड या फिर जो अमाउंट ऑफ जीएसटी के लिए, तो वहां पे टैक्सेबल वैल्यू या अमाउंट की जरूरत होती है, ये भी है, लेकिन ये सिर्फ एक टिन का था लेकिन उसने दो टिन सोल्ड किए, दो टिन बेचे, इसलिए हम यहाँ पे उसे मल्टीप्लाई करके टोटल टैक्सेबल वैल्यू 5600 आ गई। देन नेक्स्ट यू आर इज रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी दैट इज 28%। अब इससे हम लोग अमाउंट ऑफ जीएसटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो अमाउंट जो होगा उसका हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टेट और सेंट्रल जो है ये भी मिल जाएंगे, या फिर आपको अगर इसी को कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ सेंट्रल जीएसटी दैट इज हाफ ऑफ दिस 28, 28 का क्या होगा, हाफ हो जाएगा, मीन्स हाफ इनटू रेट ऑफ जीएसटी मीन्स हाफ इनटू दिस 28 दैट इज इक्वल टू 14 14% एंड देयरफॉर अमाउंट ऑफ सी जी एस टी। अब यहाँ पे हमने 14 कर लिया इसलिए हम लोग डायरेक्टली अमाउंट ऑफ जो सी जी एस टी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट होगा, तो जो यहाँ पे टैक्सेबल है उसका क्या फाइंड करना है हमें, 14% मीन्स टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ सी जी एस टी मीन्स 5600 इनटू 14%, रेट ऑफ सी जी एस टी 14% मीन्स 14/100, तो व्हेन वी कट दिस जीरो दैट इज 56/14, तो 56/14 24, देन 20+2 22, देन 6 एंड देन 5, सो हियर 487 दैट इज रुपीज 784 दैट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। एंड यू नो द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ स्टेट जीएसटी बोथ आर इक्वल, देयरफॉर हियर अमाउंट ऑफ स्टेट जीएसटी इज आल्सो रुपीज 784। ये एक मेथड हो गई जिसमें हमने जो जीएसटी लिया था उसका हाफ करके रेट ऑफ
सेंट्रल और जो स्टेट है उनको फाइंड आउट करके लिख दिया। दूसरे मेथड में अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे डायरेक्ट जीएसटी का यूज करके तो कैसे आ जाएगा, यहाँ तक एग्जांपल हमारा सेम होगा। इसके आगे से चेंज क्या होगा कि अगर रेट ऑफ जीएसटी दिया है तो हम लोग अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे आएगा देखिए, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी, वही फार्मूला सिर्फ हमने यहाँ पे जीएसटी के लिए लिख लिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल जो 210 का है वो 5600 इंटू 28% रेट ऑफ जीएसटी, दैट इज 28%। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 28% मीन 28 अपॉन क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, देन सी 00 गेट कैंसर एंड इट्स 56 इंटू 28, 8 6 48 and this 40 plus 4 44 and then 12 10 plus 1 11, so this is 8 6 5 1, so this is equal to rupees 1568. This is the amount of GST. Then what is the amount for central GST and state GST? That is the half of this amount. This amount के क्या होंगे वो half होंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं therefore C GST equal to yes GST that is half into this 1568 और 1568 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14, देयर इट इज 8 जा 4 मींस सेम इट इज 784। तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं दिस इज आल्सो इक्वल टू 7084। ये एक मेथड हो गई जिसमें हम लोग जो जीएसटी का अमाउंट है वो डायरेक्टली रेट ऑफ जीएसटी 28% लेकर अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट किया जो आया 1568 और उसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा अमाउंट ऑफ स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सी क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिस्ट वॉच बेल्ट इज रुपीज 586, देन द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। स्टूडेंट हियर see what is given, when you read example here in this example two things are given, first one that is the taxable value 586 and rate of GST, and how can you find the price of the belt for the customer, the customer ko kitne mein wo belt milega, iske liye kya karna padega, ye jo taxable value hai usme amount of GST add karna hoga, means according to this fifth formula, amount paid by consumer that is taxable value plus amount of GST। जैसे हम किसी दुकान पे कुछ चीजें खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए बेल्ट या फिर ये वॉच अगर खरीदने के लिए गए तो इस पे एक प्रिंटेड प्राइस होती है, मान लीजिए वो कितना है 586 पे, लेकिन इससे जीएसटी लगने वाला है 18%, तो ये जो वॉच है वो मुझे 586 रुपीज में ही मिलेगा क्या, नहीं, तो क्या होगा उसमें जीएसटी जो भी होगा इस प्राइस का वो उसको ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है, हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करना है, मींस जो फार्मूला यूज करके, तो जो वो अमाउंट आएगा उसको टैक्सेबल में ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल जो अमाउंट वो मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, और इस टाइप के एग्जांपल हमें 3 मार्क्स के लिए एसएससी बोर्ड एग्जाम वाले में बहुत टाइम पूछा से क्या करते वर्ड या फिर स्टेटमेंट वगैरह चेंज करते, लेकिन आप अगर कोई भी एग्जांपल इस टाइप का होगा
रीड करके अगर उस पर आप ध्यान दोगे तो इसी फार्मूले में से कोई फार्मूला जो अप्लाई करते आएगा। तो इसमें क्या करना है हमें, फर्स्ट वी राइट द गिवन थिंग्स, जो भी दिया है वो पहले लिख लेते हैं। सो गिवन थिंग दैट इज द टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू रुपीज 586 एंड द रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 18%। So you know amount of GST, that is taxable value plus rate of GST. So here taxable value is 586 into 18% means 18/100। Then simplify this. आप इसे आपके मेथड से simplify कर सकते हैं। तो कैसे है, अगर simplify करना है या फिर directly multiply 586 by 18 and then divide by 100। तो 100 से means decimal of the point दे सकते हैं। So see what is the multiplication here? 586 into 18. 8 6 48, 8 8 64 plus 4 that is 68, and then this 40 plus 6 46 and 6 8 5, and their sum is this 4, then 14 plus 1 5, 9 plus 1 10, means here it is 10,548 upon 100। अब यहाँ पे जीरो कितने है, 2 है, मीन्स डेसिमल में हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, डेट इज रुपीज 105.48। ये क्या हो गया, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये 2 जीरो तो यहाँ से डेसिमल यहाँ पे दे दिए, इसलिए ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन जो फाइंड करना है वो है द प्राइस ऑफ द बेड, द प्राइस ऑफ द बेड फॉर कस्टमर इक्वल टू, और इसका जो फॉर्मूला है ये फिफ्थ वन हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी दैट इज 105.48 रुपीज। सो वी राइट हियर टैक्सेबल value plus amount of GST, that is 586 plus 105.48, that gives in rupees. So how we add this, so 586.00 and here 100.48. So, 8, 4, then decimal, अब इसमें decimal नहीं था तो decimal देके हमने zeros यहाँ पे ले लिए, then this is 11, then 8 plus 1, 9, and then this is 6, means 691.48, so this is our final answer.